हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डी फ्लिप फ्लॉप किया था। इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। यहां पर ये ट्रुथ टेबल है, जब क्लॉक की वैल्यू जीरो है इट मींस के डी की वैल्यू जीरो है या वन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट हमारी प्रीवियस स्टेट ही रहेगी, मेमोरी स्टेट रहेगी। और जब क्लॉक की वैल्यू वन है और डी की वैल्यू जीरो है इट मींस के आउटपुट हमें जीरो ही मिलेगी, रीसेट स्टेट में होगा हमारा फ्लिप फ्लॉप। और जब इनपुट यहां पर डी की वैल्यू वन है तो हमें आउटपुट वन ही मिलेगी। बहुत सिंपल सी टेबल है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करेंगे इस ट्रुथ टेबल से। यहां पर जब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल के लिए हमें यहां पर इनपुट लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम Qn प्लस वन की वैल्यू लिखेंगे। इनपुट हमें पता है कि इनपुट क्या रहेगी, एक इनपुट रहेगी Qn जिसको हम वापस फीड करते हैं और दूसरी इनपुट क्या रहेगी D रहेगी, और यहां पर हम आउटपुट की वैल्यू लिखेंगे दैट इज Qn प्लस वन। सो यहां पर टू इनपुट्स हैं, इट मींस कि यहां पर फोर पॉसिबिलिटीज रहेंगी, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। यहां पर जब आउटपुट हम चेक करें क्यू वन प्लस वन तो इनपुट की वैल्यू जीरो है, डी जीरो है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, जीरो ही मिलेगी। या इस ट्रुथ टेबल से हम देख सकते हैं जब जीरो है डी की वैल्यू तो आउटपुट क्या है, जीरो है, और जब डी की वैल्यू वन है तो आउटपुट वन है, और जीरो है तो यहां पर जीरो ही होगी और वन है तो वन ही रहेगी इसकी वैल्यू आउटपुट की क्यू वन प्लस वन की। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं यहां से कि जो भी d की वैल्यूज हैं वही सेम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहां पर qn प्लस वन की वैल्यू आ रही है। इट मींस कि जो qn प्लस वन है दैट इज इक्वल टू d। सो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए k मैप ड्रॉ करके ये टू वेरिएबल k मैप हम यहां पर लिखेंगे, दिस इज टू वेरिएबल k मैप। msb क्या है, qn एंड lsb d। So, यहां पर क्या लिखेंगे हम, दिस इज जीरो वन जीरो वन। सो यहां पर क्या है, फर्स्ट जीरो में जीरो, देन वन में वन, देन टू में जीरो एंड देन वन। सो यहां पर क्या बनेगा, इस टू का ग्रुप बनेगा और टू का ग्रुप बनेगा तो क्या आएगा यहां पर, ये डी के बराबर आएगा। सो जो क्यू एन प्लस वन की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू डी। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो हम यूज करेंगे जब फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन करेंगे। इसके बाद है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक्साइटेशन टेबल हम यूज कहां पर करते हैं। ये एक्साइटेशन टेबल यूज होती है प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के लिए। जो भी हम काउंटर डिजाइन करते हैं जिसके लिए हमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दी होती है तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है एक्साइटेशन टेबल की। तो यहां पर हम एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे, यहां पर फर्स्ट क्या लिखते हैं हम, प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट को किससे डिनोट करते हैं, क्यू एन से, एंड दिस इज नेक्स्ट स्टेट और ये क्या है, क्यू एन प्लस वन है। जो भी एक्साइटेशन टेबल हम बनाते हैं वो हम डिजाइनिंग में यूज करते हैं, और ये जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है ये आउटपुट्स हैं जो हमें गिवन होती है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें इनपुट डिजाइन करनी होती है। एंड इनपुट क्या है इसके लिए, डी इनपुट है डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो यहां पर हम इस डी इनपुट को चेक करेंगे कि इनपुट क्या होगी इन स्टेट के लिए। तो यहां पर हम देखेंगे तो फोर पॉसिबिलिटीज हैं, प्रेजेंट स्टेट जीरो है और नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि प्रेजेंट स्टेट जीरो है और नेक्स्ट स्टेट क्या है, वन है। प्रेजेंट स्टेट वन है और नेक्स्ट स्टेट क्या है, जीरो है। प्रेजेंट स्टेट वन है और नेक्स्ट स्टेट भी वन है, ये फोर पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम यहां पर देखें कि नेक्स्ट स्टेट जीरो है। नेक्स्ट स्टेट जीरो कब मिलती है हमें, जब फ्लिप फ्लॉप की इनपुट जीरो हो तो हमें नेक्स्ट स्टेट कब मिलती है जीरो, जब यहां पर डी की वैल्यू जीरो है हमारे पास। हम यहां से चेक भी कर सकते हैं इस टेबल से, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से, क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन जीरो जीरो कब है, ये यहां पर जीरो है, ये जीरो है, तो इस केस में डी की वैल्यू क्या है, यहां पर जीरो है। सो यहां पर जीरो हमने लिखा है। अब प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट
वन है. नेक्स्ट इंट वन कब रहेगी डी फ्लिप फ्लॉप की, जब डाटा इनपुट डी इनपुट क्या रहेगी, वन रहेगी. तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि क्यू एन की वैल्यू जीरो है एंड क्यू एन प्लस वन की वैल्यू वन है, तो डी की वैल्यू क्या रहती है इस केस में, दिस इज वन. तो यहां पर वन हमने लिखे. इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट वन है, नेक्स्ट स्टेट जीरो है, तो नेक्स्ट स्टेट के अकॉर्डिंगली डाटा इनपुट क्या रहेगी, जीरो रहेगी. एंड प्रेजेंट स्टेट भी वन है, नेक्स्ट स्टेट भी वन है, तो इनपुट क्या रहेगी यहां पर, वन रहेगी. तो इस तरह से एक्साइटेशन टेबल है. अब डी के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे यहां पर के मैप यूज करके. तो ये टू वेरिएबल के मैप हम बनाएंगे यहां पर. एमएसबी क्या है, क्यू एन, एल एस बी क्यू एन प्लस वन. सो इस डी के लिए हम इक्वेशन लिखे तो ये जीरो वन जीरो वन. सो जीरो में क्या है, जीरो है, देन वन में वन, टू में जीरो एंड थ्री में वन. सो ये इस तरह से ये यहां पर ये ग्रुप बनेगा. सो ये वन क्या है, क्यू एन प्लस वन. तो डी की वैल्यू किसके बराबर आई, क्यू एन प्लस वन के बराबर. तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और एक्साइटेशन टेबल है डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, जो हम कन्वर्जन्स में यूज करेंगे और डिजाइनिंग ऑफ काउंटर्स में इनको यूज करेंगे. इस लेक्चर के लिए इतना ही. भी आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. थैंक यू फ्रेंड्स.